दोस्तों, अपनी सामी डिवाइस के अंदर MIUI 10 अपडेट आने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गई है। जो MIUI 10.1.1.0 ग्लोबल स्टेबल का अपडेट आया है 23 सामी डिवाइस के अंदर, वो आ जाने के बाद अपडेट कर लेने के बाद जो बैटरी परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आप एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड को एनेबल कर सकते हो अपने MIUI 10 डिवाइस के अंदर। इसको यूज़ करने के बाद दोस्तों आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो फेस नहीं करोगे, पर आप एक बेहतर बैटरी लाइफ पाओगे। ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम है बैटरी सेविंग की दोस्तों, ये जो नेक्स्ट अपडेट आएगा MIUI का उसके साथ फिक्स करके दिया जा सकता है, क्योंकि MIUI 9 से MIUI 10 के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। मेक श्योर दोस्तों आप MIUI 10 के अंदर ग्लोबल स्टेबल रॉम के अंदर हो। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको बैटरी के अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा पावर के अंदर, यहाँ पर आपका स्कैनिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बैटरी यूजेस दिखा देगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे हम छोड़ के ऑप्टिमाइज मैनुअली करते हैं। ऑप्टिमाइज मैनुअल करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रीम बैटरी सेवर करके एक ऑप्शन आता है दोस्तों, नीचे देख पा रहे हो, इसमें टैप करिए। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर ले जाता है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों एक्सट्रीम बैटरी सेवर, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया है। सो आपको क्या करना होगा, सिंपली से टर्न ऑन कर देना पड़ेगा। टर्न ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड इनेबल हो जाएगा। आपको पता दोस्तों एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड इनेबल हो जाने के बाद यहाँ पर आपके रैम के ऊपर सिर्फ 4 एप्लीकेशन ही रहेगा, और जो 4 एप्लीकेशन रहेगा उसके अंदर ही आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा। बाकी एप्लीकेशन जब भी आप लीव कर दोगे, बाकी एप्लीकेशन से जब भी आप एग्जिट करोगे और बैक आ जाओगे, ऑटोमेटिकली बाकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप 4 पॉइंट को पढ़ लीजिए। यहाँ पर से आपको दोस्तों बैकग्राउंड में जाके अपना 4 फेवरेट एप्लीकेशन को ऐड कर लेना पड़ेगा, जैसे कि पबजी हो जाए, मैसेंजर हो जाए, यूट्यूब हो जाए, ऐड कर लीजिए। सो इस 4 एप्लीकेशन से आप नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करोगे। पर दोस्तों अगर आप और कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको इस मोड को ऑफ करना पड़ेगा। आपको बताओ दोस्तों इस मोड को अगर आप इनेबल कर देते हो, उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है दोस्तों, आपका वॉलपेपर ब्लैक स्क्रीन के अंदर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सेटिंग्स है दोस्तों, वो भी दोस्तों अपने थीम के अनुसार ब्लैक के अंदर आ जाएगा। सो आप बेहतर एक फ्लूइड परफॉर्मेंस ले सकते हो अपने फ़ोन से दोस्तों ब्लैक वॉलपेपर हो जाने के बाद। और जो ऑप्टिमाइज होगा दोस्तों, ऑप्टिमाइज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप थोड़ा सा बेहतर बैटरी लाइफ पा सकते हो। एनीवे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।